নমস্কার বন্ধুরা, ত্রিপুরা জব চ্যানেলটাতে আবারও আপনাদের অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বন্ধুরা, এখানে আমরা ত্রিপুরা জব প্লাস অল ইন্ডিয়া জব সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি। তো বন্ধুরা, যদি আপনারা এই ধরনের জব সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চান, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা যে বেল আইকন আছে তার মধ্যে থেকে অলটাকে ক্লিক করে রাখবেন। তাহলে যখনই আমরা কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব, নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। বন্ধুরা, আজকে আমরা ফ্রড জব সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তো আজকে যে ভিডিওটা আমরা নিয়ে আলোচনা করব, সেটা লেবার ল অ্যাডভাইজারের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেটাতে দেওয়া হয়েছে। তো আমি সেই ভিডিওটা প্লে করছি, আপনারা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। অনেক ধরনের ইনফরমেশন আছে যা আপনাদের জানা থাকা খুবই প্রয়োজন। তাহলে চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটা একবার দেখে নেওয়া যাক কি বলছেন উনি। ডেটা এন্ট্রি ফ্রড পে, আর উসমে লাস্ট মে মানে আপকো এক বাত বলি থি। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड इन लोगों की बैंड बजाता। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस किस टाइप के वर्क फ्रॉम होम डेटा एंट्री वाले स्कैम हो रहे हैं, और हमारे देश में बहुत सारे लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है, और ये उसी चीज का फायदा उठाकर लोगों को पार्ट टाइम जॉब ऑफर करते हैं, डेटा एंट्री का, टाइपिंग वर्क, और उसके बाद लोगों को बोलते हैं कि आपने हमारा काम अच्छे से नहीं किया या फिर आपने हमारा काम कंप्लीट नहीं किया गिवन टाइम में, और इस बात के लिए हम आप पे लीगल नोटिस ठोक रहे हैं और आपसे हजारों रुपए की पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं। और काफी लोगों को ये बात सच्ची लग जाती है और लोग पैसे भी पे कर देते हैं। पर काफी लोगों ने पूछा कैसे, आखिर इनकी बैंड कैसे बजाएं, क्योंकि पुलिस के चक्कर भी नहीं काटने पसंद है आपको। और अगर आप उस वीडियो के कमेंट्स में जाकर देखोगे तो हजारों लोगों ने ये बोला है कि ये सेम फ्रॉड हमारे साथ भी हो रहा है। इवन मेरे पास लोगों के इंस्टाग्राम पे डीएम भी आए हैं कि जो आपने वीडियो बनाया है सेम टू सेम फ्रॉड हमारे साथ भी हो रहा है, हम क्या करें, हमारी हेल्प करो। और मेरे ओला ड्राइवर के साथ भी ये फ्रॉड हो चुका है। मेरी आदत है मैं अपने ओला ड्राइवर उबर ड्राइवर से बात करता रहता हूँ, और एक ओला ड्राइवर के साथ भी ये काम हो चुका है, और ये लोग बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। इनके खिलाफ ज्यादा लोग पुलिस कंप्लेन भी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पुलिस के चक्कर काटने में इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, और आपके भोलेपन का फायदा उठाकर ये आपको विश्वास दिला देते हैं कि यही लोग सच्चे लॉयर्स हैं और यही लोग सच्ची कंपनियां हैं जो आपसे पैसा मांग रही हैं। बट ये टोटल 100% फेक कंपनियां हैं, और इसका प्रूफ मैं आपको पुराने वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं। तो अब पॉइंट ये आता है कि इन लोगों से बदला कैसे लिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने अपनी बहुत मनमानी करके भोले वाले लोगों से पैसा लूटा है। तो अगर आप इनका शिकार ऑलरेडी बन चुके हो तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो कोई कंपनी आपको अप्रोच करे, डेटा एंट्री का काम दे और आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दे, और वो इतने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि वो सुन के आपको लगता है कि यार ये तो ऑथेंटिक कंपनी का ही काम लग रहा है, 80% एक्यूरेसी मांग रहे हैं, मुझे कुछ टाइपिंग का वर्क है और वो करके दूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, और उस काम के वो आपको एग्जॉर्बिटेंटली हाई प्राइसेस कोट करते हैं। तो आपको भी मजा आ जाता है सुन के कि मुझे बस इतना सा टाइप करना है या इतने दिन का काम है, बदले में मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे। आप अग्री कर देते हो। आपके अग्री करने के बाद आपको कोई दूसरा इंसान कॉल करता है, वो बोलता है कि मुझे ऐसा पता चला है कि आपके पास 20,000 रुपए का कुछ काम आया है, वो काम मैं आपको 10,000 रुपए में करके दे दूंगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी, आप बल्कि उनसे डबल काम उठा लो और सारा काम इधर मुझे देते जाओ, मैं आपको 10-10 हजार में बल्क काम करके देता रहूंगा, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, 50-50 बांट लेंगे। और आपको लगता है कि अरे वाह, मुझे काम करने के बजाय काम देने का ऑप्शन मिल रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करने के भी 10,000 रुपए मिल रहे हैं, और आप खुशी खुशी अग्री कर देते हो। और उसके बाद वो बंदा तो आपसे पहले पैसे ले लेगा 10,000 रुपए, और आपको भी उम्मीद होगी कि वो बंदा काम करके मुझे देगा, और जब मैं फाइनली काम सबमिट कर दूंगा तो मुझे भी मेरे 20 तो मिल जाएंगे। और वहां पर वो लोग खेल जाते हैं, क्योंकि ये बंदे दोनों मिले हुए हैं, आपने 10,000 दिए, उसके बाद कंपनी आपका कोई फोन वोन नहीं उठाने वाली है, और हो सकता है इवन बेटर वो आपको लॉसूट से धमकाए कि आपके काम में गलतियां हैं और आपको 11-11 महीने, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था, काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनल्टी भरनी है, हम आप पे लीगल नोटिस ठोक रहे हैं एंड व्हाट नॉट। तो ये तरीके से आपको फंसाया जा सकता है। अब बात कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट कि इन फ्रॉड वेबसाइट को आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हो, देखते ही डिटेक्ट हो जाए, ये कैसे आपको समझना चाहिए। सबसे पहले अगर आप इसमें देखें कि ये प्रॉमिस करते हैं आपको थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ऑफ अर्निंग, मैं आपको बता देता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम सैकड़ों कंपनीज का डेटा प्रोसेसिंग करते हैं सैलरीज का, तो हमको पता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की जनरली सैलरी क्या रहती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की टिपिकल जो एंट्री लेवल सैलरी रहती है वो 250-300 रुपए पर डे से लेकर 350 रुपए पर डे तक होती है, यानी 6-7 हजार रुपए महीना से मैक्सिमम 9-10 हजार रुपए महीना ये फ्रेशर को मिलता है। लेकिन ये कंपनीज प्रॉमिस करती है घुसते ही आपको 25-30-40 हजार रुपए पर महीना, वो भी घर से बैठे बैठे, वर्क फ्रॉम होम, जो 100% फेक है।
अगर आपका काफी एक्सपीरियंस हो, आप बहुत तेज डेटा एंट्री करते हो, तो फिर भी इतनी ज्यादा जॉब मिल सकती है, लेकिन फ्रेशर को इतनी हाई सैलरी नहीं मिलती है। तो ये अगर आप कहीं पढ़े तो मान लीजिए ये फ्रॉड है। नंबर सेकंड, अगर आपको कोई भी वेबसाइट गूगल एड्स के में, फेसबुक एड्स में डेटा एंट्री जॉब्स को प्रमोट करते दिखे तो 90% वो फ्रॉड होगी। आप समझिए, किसी भी कंपनी को अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जरूरत है तो गूगल पर एड्स क्यों लगाएंगे, एक्सेप्ट कि वो ऐसी कुछ वेबसाइट हो जैसे शाइन, मॉन्स्टर, फलाना, इनका जिनका काम ही है लोगों को तक नौकरी पहुंचाना। कोई इंडिविजुअल वेबसाइट डेटा एंट्री ऑपरेटर्स गूगल पर एड लगाकर क्यों लेगी, ये मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि इस देश में अभी इतना भी रोजगार नहीं है कि आपको आसानी से लोग जॉब के लिए नहीं मिल पाए। नंबर तीन, जिन भी वेबसाइट्स पर आपको दिखे 100% जेन्युइन, 100% रियल, वहां पर आपको प्रूफ दिखे, उस वेबसाइट का सिन नंबर, उस कंपनी का सिन नंबर इत्यादि वहां पर दिया हुआ हो, सर्टिफिकेट्स दिए हुए हो, तो भी मान लेना चाहिए कि 90% वो वेबसाइट फेक है। कोई भी रियल वेबसाइट अपनी वेबसाइट पर ये तो नहीं लिखेगी कि 100% जेन्युइन, 100% फेक, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही लोग ऐसा काम करते हैं। नंबर फोर, अगर कोई भी डेटा एंट्री वेबसाइट आपसे एडवांस में कुछ रुपए मांगे, चाहे वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो, चाहे वो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, चाहे रजिस्ट्रेशन फीस हो, फ्रॉड। पांचवा चीज आपको समझना चाहिए, अगर ये आपसे फोटो मांगे, आपसे साइन मांगे आपको एग्रीमेंट कराने के लिए, अगेन फ्रॉड। तो ये आपने अपने एनिमी को जान लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, इन पे एक्शन कैसे लेना है। आपको मेरे जो तरीके लगेंगे थोड़े से अजीब लगेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए, समझिए, और मैं आपको बताऊंगा कि इन तरीकों से इन डेटा एंट्री फ्रॉड का कितना नुकसान होने वाला है। और इसमें आपको सिर्फ अपने 4-5 मिनट एक बार इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन अगर 100 लोगों ने भी मान लीजिए अपने 5 मिनट एक ऐसी फेक वेबसाइट पर इन्वेस्ट किए, तो अगले जो व्यक्ति जो उस वेबसाइट का ओनर है या जो काम चला रहा है, उसके तो 500 मिनट खराब हो गए, यानी उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा जागरूक जनता से ही भिड़े रहने में। और ऐसे अगर लोग करते रहे हर वेबसाइट के साथ, तो एक वेबसाइट का काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना पुलिस हेल्प कर रही है, ना साइबर सेल हेल्प कर रही है, ना बैंक हेल्प कर रहे हैं इनके अकाउंट सीज करने में। तो यही एक तरीका है हम सबको मिलकर करना है। तो चलिए समझते हैं आपको क्या करना है। नंबर वन और सबसे मजेदार तरीका, आपको गूगल पर सर्च करना है ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब, डेटा एंट्री जॉब फ्रॉम होम, इस तरह के कीवर्ड। और जब आप ऐसा सर्च करेंगे तो आपको दिखेंगे गूगल के एड्स। आप देखिए एड को कैसे डिटेक्ट करना है, ये आगे जो छोटा सा एड लिखा होता है यहां से आप एड को डिटेक्ट कर सकते हो। अब इसमें से कुछ वेबसाइट्स तो आपको पता होगा जो जेन्युइन है, शाइन, मॉन्स्टर, इस तरह के जॉब पोर्टल्स के अगर लिंक आ रहे हैं तो वो जेन्युइन है। लेकिन उसके अलावा जनरली जो वेबसाइट .in से खत्म होती है या ऐसी लंबे लंबे नाम वाली वेबसाइट आती है, ये सारी की सारी फ्रॉड होती है। तो अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो आपको ये ऑनलाइन सर्च करके इन पर क्लिक करना है। आप बोलेंगे हम क्यों क्लिक करें, हम तो जागरूक जनता है। आप जागरूक जनता है इसीलिए आपको क्लिक करना है, क्योंकि जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे इन फ्रॉड्स का कुछ पैसा लगेगा जो गूगल इनके क्रेडिट कार्ड से काट लेगा, क्योंकि इन्होंने अपना एड लगा रखा है और हर क्लिक का इनको पैसा देना पड़ता है गूगल को। और जब हमारे हजारों लाखों सब्सक्राइबर व्यूअर्स इन वेबसाइट पर ऐसे क्लिक करते रहेंगे तो इन फ्रॉड्स का पैसा ढेर सारा गूगल के पास आ जाएगा, जिसका इसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी एक वेबसाइट पर 5 रुपए क्लिक की रेट है और 1000 लोग भी पर डे क्लिक कर लेते हैं, तो इन फ्रॉड का 5000 रुपए तो सीधा गायब हो गया। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, दूसरी चीज बहुत आसान है। अगर आपको पता चले कि ऐसी कोई फ्रॉड वेबसाइट चल रही है, आप उस फ्रॉड वेबसाइट का कंप्लीट लिंक HTTPS से शुरू करके www पूरी वेबसाइट का लिंक, और अगर उस वेबसाइट में कुछ फोन नंबर और ईमेल आईडी भी है तो फोन नंबर और ईमेल आईडी नीचे कमेंट में हमारे साथ शेयर करिए। आप उस पर लिखिएगा फेक डेटा एंट्री वेबसाइट, उस वेबसाइट का लिंक, उस वेबसाइट का फोन नंबर और ईमेल आईडी नीचे कमेंट में शेयर करिएगा। हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे पास कमेंट्स आएंगे, क्योंकि हम अकेले देश भर की सारी फ्रॉड वेबसाइट्स को नहीं ढूंढ सकते हैं, आपका सपोर्ट लगेगा। आप जैसे जैसे कमेंट्स हमारे साथ ही वेबसाइट शेयर करते जाएंगे, हम उन पूरे कमेंट्स का एक ब्लॉग बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन सर्च करे तो उन्हें ये सारी वेबसाइट के लिंक मिल जाए जो फ्रॉड है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, ये सबसे मजेदार है और आपको ये जरूर करना है, आपको इन फ्रॉड वेबसाइट पर जाना और फॉर्म फिल कर देना है, आपको इन फ्रॉड वेबसाइट के फोन नंबर पर जाना है और वहां पर व्हाट्सएप करना है इंटरेस्टेड इन डेटा एंट्री जॉब, आपको इनके ईमेल पर मेल डालना है इंटरेस्टेड इन डेटा एंट्री जॉब। आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं जागरूक जनता हूं। अरे आपको इसीलिए करना है, जब आप में से ढेर सारे लोग
इन वेबसाइट्स पर जाकर अपना फॉर्म फिल करेंगे तो इनके रिप्रेजेंटेटिव, इनके एम्प्लॉयज वगैरह आपको फॉर्म भेजेंगे आगे के, आपको अरे आप रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करिए, ये करिए, वो करिए, अरे बहुत अच्छा काम है ये, बहुत में ढेर सारा उनका समय व्यर्थ हो जाएगा। आप सोचेंगे कि आपका तो सिर्फ 4-5 मिनट गया, लेकिन वहां पे जो भी ऑपरेटर बैठा है, जो भी एम्प्लॉय बैठा है या जो फ्रॉड पर्सन बैठा है, अगर वो हमारी लेबर लॉ एडवाइजर की 100 लोगों से भी भीड़ जाता है पूरे दिन, तो 100 में से कन्वर्जन तो होंगे 0, और उसकी पूरी सैलरी उस फ्रॉड डेटा एंट्री वाली वेबसाइट को चिपने वाली है। तो आपको यही करना है। इनफैक्ट अगर ये आपसे एग्रीमेंट मांगे, उसके लिए एग्रीमेंट के लिए फोटो और साइन मांगे, तो अपनी फोटो और साइन, किसी की भी फोटो और साइन भी भेज दीजिए, और फिर इनके आगे मजे लीजिए। जैसे जैसे ये आपको डराते हैं, अरे आपके अगेंस्ट केस रजिस्टर हो गया है, आप बोलिए अरे ऐसे कैसे, नहीं नहीं सर प्लीज केस रजिस्टर मत करो, मैं आपको पैसा चुकाता हूँ, बिल्कुल कल ही चुका दूंगा। इस तरीके से उन्हें ह्यूमर करते रहिए, उनको एंटरटेन करते रहिए, और उनका ज्यादा से ज्यादा समय खराब कर दीजिए। इनकी जो सक्सेस रेट है, 10 में से मान लीजिए 5 लोगों को अभी ये फंसा देते हैं, ऐसा होना चाहिए कि 100 लोग इनको पूरे दिन में मिल रहे हैं और उसमें से एक भी मुर्गा नहीं फंस रहा है। इनको पूरी तरीके से आपको हताश कर देना है। तो तीसरी चीज ये करनी है, और मान लीजिए आप ये तीनों ही चीजें नहीं कर सकते हो, इतना भी आपके पास समय नहीं है, एक छोटी सी चीज करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि कम से कम वो जागरूक तो बन जाए, अवेयर बन जाए। अगर देश के सारे लोग अवेयर बन जाएंगे, जागरूक बन जाएंगे, फिर तो ये सब हथकंडे करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, हमारा लेबर लॉ एडवाइजर पर ये उद्देश्य रहता है कि हम कुछ ऐसे वीडियो बनाए जिसमें हमारे सारे सब्सक्राइबर्स का फायदा हो। और जब हमने डेटा एंट्री फ्रॉड का वीडियो बनाया, तो हमें पता चला कि न सिर्फ डेटा एंट्री फ्रॉड, और भी ऐसे कई सारे मास स्केल पर फ्रॉड चल रहे हैं, यानी जिनमें हजारों लोगों को एवरीडे बेवकूफ बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल टावर के नाम पर फ्रॉड चल रहा है, OLX में परचेज के नाम पर फ्रॉड चल रहा है, फोन पे का फ्रॉड चल रहा है। ये सारी चीजों पर हम आगे वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आती है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अगर आप हमारा हौसला अफजाई करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना है, जिससे हमें और बूस्ट मिले। तो बंधुरा, সম্পূর্ণ ভারতে এখন লকডাউন চলছে, তো বেশিরভাগ মানুষই ঘরে বসে আছে, তো তারা এখন এই ধরনের কিওয়ার্ড রিসার্চ করছে গুগলে, তো তারা যাতে এই ধরনের ফ্রডের চক্করে না ফাঁসে তার জন্য আপনারা বেশিতে বেশি এই ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন। বাকি আজকের জন্য যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক করে দেবেন। আজকের জন্য বন্ধুরা এখানে শেষ করলাম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।